सुपेला थाना पुलिस ने चांदी के दो बड़े सिक्कों के साथ आरोपी इमरान अहमद इस्लाम नगर सुपेला को गिरफ्तार किया है। सिक्कों की कीमत 14,000 रुपए बताई गई है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव के मार्गदर्शन में सुपेला थाना पुलिस द्वारा संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम एवं संपत्ति की 100% बरामदगी को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति इस्लाम नगर में चांदी के सिक्कों की बिक्री करने ग्राहक तलाश रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा द्वारा तत्काल पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया। आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ने के उपरांत उसके कब्जे से 2 नग चांदी के बड़े सिक्कों को बरामद किया गया। इस मामले की जानकारी भिलाई नगर CSP नसर सिद्दकी ने दी। अभी एक इस इमरान नाम के लड़के को जो इस्लाम नगर का है उसको थाना प्रभारी सुपेला और स्टाफ के द्वारा पकड़ा गया है, जिसके कब्जे से 500 ग्राम चांदी के बिस्किट बरामद हुए हैं। करीब 14,000 रुपये के कीमत है, जिनको R 41(4) के तहत कार्रवाई करके रिमांड पर भेजा जा रहा है। बहरहाल इस कार्रवाई में थाना प्रभारी दुर्गेश शर्मा के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक रजनीकांत दीवान, सहायक उप निरीक्षक राजेश सिंह, प्रधान आरक्षक संतोष शर्मा, आरक्षक विशाल सिंह, रवि साव, कपिल चौधरी की उल्लेखनीय भूमिका रही। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।